आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसे मैंने इस्तेमाल में तब लाया जब भोपाल में हॉट वाटर की प्राप्ति ना होने के पश्चात मैं गीजर का पानी मग में भर के पीने का पानी गर्म कर लेती हूँ और फिर सूर्य देव से विटामिन डी उधार लेके विटामिन टी का सेवन करती हूँ, जिससे मेरी संपूर्ण शक्तियाँ पुनः स्थापित हो जाती है, जिन्हें मैं एकत्रित करती हूँ हाइबरनेशन में जाके और निकल जाती हूँ अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट करने शाही टुक टुक में, जो मुझे छोड़ देता है लेक व्यू के पास। यहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि बोटिंग के इतने ऑप्शन है जितने जीवन में नहीं। तो मैं सुरक्षा की सामग्री लाइफ जैकेट पहनकर बैठ जाती हूँ पैडल बोट में अपनी नैया को साइलेंट तक पहुँचाने, जिसकी समय सीमा होती है आधा घंटा। जो मुझे लगा था कि मेरे बाएं टांग का खेल है, लेकिन ये पैडल बोट आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऊपर से ये भैया पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। जितने में मैं एक बार आइलैंड तक पहुँची, भैया चार चक्कर काट चुके थे। बाय द वे, ये खूबसूरत झील भारत की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जिसे बनवाया था राजा भोज ने, इसीलिए इसे भोजताल भी कहते हैं। और इससे पहले कि मैं इस भोजताल में ही रह जाऊं, बहुत देर की मशक्कत के बाद मैं अपनी बोट को सुरक्षित तरीके से पार्क कर देती हूं, क्योंकि मैं कल यहां से जाऊंगी एक ऐसे प्लेस पे जहां नर्मदा नदी अपने उफान पर होती है।